नमस्कार, जय हिंद, जोहार दोस्तों, मैं पूर्वा और अभी देखिए यहाँ पर ट्राइबल ट्रेड फेयर के स्टॉल नंबर 53 में हूँ मैं। और इसका मुझे सबसे खास जो बात लगी है वो अभी इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मेरे पीछे पोस्टर लगा है एक, और पोस्टर में लिखा है नेतरहाट पहाड़ी सामग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ की जो विक्रेता है हम उनसे खुद समझते हैं। जी, आपके दुकान की क्या खास बात है? हमने पीछे पढ़ा यहाँ का जो सारा सामान है वो नेतरहाट का है। जी हाँ, नेतरहाट का ही है। तो क्या क्या आप लोग दे रही हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर जिराफुल चावल लाए हैं, इसको पुलाव बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसको रोटी भी बना के खा सकते हैं हम लोग, अरसा भी बना के खा सकते हैं। और यहाँ पर है खुखड़ी है, इसको हाँ जमीन में जो उगता है वो वाला खुखड़ी सूखा है, सूखा है ये वाला, सूखा के इसको बेच रहे हैं। और यहाँ पर और बांस कुकड़ी है जो बांस में उगता है, ये बांस का कुकड़ी है। देखिएगा ये बांस का कुकड़ी है जो नेतरहाट का बना हुआ है। इससे इसका भी सब्जी बनाकर खाते हैं, इसका भी सब्जी बनाकर खाते हैं। जी और क्या क्या है? और है ये सरसों साग है, ये सरसों का साग है। हाँ, सरसों का साग। और इसे आप बता रही थी इसका चटनी भी बनाया जाता है। इसको चटनी भी बना सकते हैं, जैसे कि टमाटर को आग में सेक के लहसुन प्याज मिर्चा नमक डाल के जी बना के खा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 50 रुपए का पैकेट है। जी हम 50 रुपये का पैकेट है। जी और क्या क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? ये सिर में नहाने वाला मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी। इसको इससे धोने से रूसी रहता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और बाल एकदम सॉफ्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है इससे। जी और क्या? और ये है, हाँ। ये चेच है, इसको भी चटनी बना के खाते हैं। चेच? जी चेच है। और ये है पुटकल है, इसको हम लोग गर्मी में खाएंगे तो पेट को ठंडा रखता है ये। और इधर है महुआ का लड्डू, ये देखिए दोस्तों ये महुआ का लड्डू है। हाँ, आदमी लोग इसको दारू बना के बेचते हैं, पीते हैं, लेकिन हम लोग इसको मिठाई बना के मिठाई बनाकर आप बेच रही हैं। लोग इसे दारू बनाकर पीते हैं लेकिन ये इसे मिठाई बनाकर बेच रही हैं। और यहाँ मधु है, ये जंगल से इसको लाए हैं हम लोग, ये शुद्ध है, एकदम प्योर शुद्ध है, ये शुद्ध है 300 का। ये देखिए नेतरहाट के जंगलों का बना ये मधु है, 300 का प्रति जार है। और क्या क्या रखी है आपने? ये है, ये मुंजनी है, कुजरी तेल, ये मुंजनी तेल। इससे क्या होता है? नया जन्म बच्चे लेते हैं ना जी, तो उस समय इसको मालिश करते हैं और इसको मुंह में भी लगा देते हैं तो बच्चे स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। जी और इधर डोरी भी है, ये डोरी है, इसको ठंडा में भी लगाने से बहुत अच्छा हाथ पैर लगता है, नहीं फटता है इसको लगाने से। जी तो देखिए अभी ठंडा का मौसम आ रहा है, इसे लगाने से हाथ पैर नहीं फटता है। और खास बात ये है कि ये नेतरहाट के जंगलों हैं। जी बीमारी में भी इसको लगा सकते हैं, जो बीमार रहते हैं तलवे में, पैर के तलवे में लगाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। जी और इधर क्या क्या रखा आपने? इधर आइएगा, इधर बताइएगा। इधर गेठी है, ये गेठी कांदा है। गेठी कांदा, हमारे पूर्वज लोग इसी को खा खा के काम कर रहे थे। पहले तो कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था ना, तो इसी को खा के काम कर रहे थे। इसको अगर जो खाएंगे ना, रोज खाएंगे तो कुछ बीमारी उसको नहीं पकड़ेगा। गेठी कांदा जी। और इधर ये सारे वही तेल है, है। मूंगफली भी वहीं का है। हाँ वहीं का है मूंगफली भी, ये मकई भी वहीं का ही है। मूंगफली कैसे दे रही है? मूंगफली 70 रुपये केजी है। 70 रुपये केजी है। और ये देहाती मकई है, ये देहाती अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देहाती मकई है, ये कैसे है? ये बहुत मीठा लगता है ये वाला। हाँ और क्या क्या खास बात है, और कुछ अलग बताइए हमें। ये सूप है, बांस का सूप हम लोग बनाते हैं। खुद से बनाया आप? हाँ हमारे गांव में बनाते हैं। फिर इधर खजूर का वो चटाई बनाए हैं, खजूर का चटाई है उधर। हाँ और बाहर में उधर झाड़ू रखे हैं, उसको भी बनाते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पर ट्राइबल ट्रेड फेयर में आते हैं, जरूर से जरूर आइए और एक बार स्टॉल नंबर 53 पर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिमा ठिठियो है, हम लोग भुईयर मुंडा है,
जी। तो देखिए हमारी जो प्रतिमा दीदी हैं यहाँ पर अपने सामान को नेतरहाट से लेकर आई हैं और यहाँ पर बेच रही हैं। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए सामने लिखा है नेतरहाट पहाड़ी सामग्री, और यहाँ पर आपको मुंजनी तेल, महुआ का लड्डू, स्कूटी, फुटकल साग जो आपने दिखाया जी, उसके बाद हड़ूबा है, बेंग का साग आपको मिल रहा है, मूंड माटी आपका जिसे प्राकृतिक शैम्पू भी हम लोग कहते हैं, और इधर चकोर साग, कोइनार साग, कचनार फूल, जिरहुल फूल, गेठी कांदा, कटई साग, और इधर देखिए गोंदई चावल जो आपको यहाँ पर रखा हुआ दिख रहा है, ये गोंदली चावल है। गोंदली चावल की क्या खास बात? जीरा फूल है ये जीरा फूल जी हाँ। गोंदली चावल गोंदली हो गए, उसको हम लोग हलवा बना सकते हैं और उसको खाना भी बना के खा सकते हैं, बस वो आपका बिक के खत्म भी हो खत्म हो गया वो, बहुत खुश होंगी जी हाँ जी। तो आगे हम लोग पढ़ते, देखिए जीरा फूल चावल है जो यहाँ पर रखा हुआ है, उसके बाद मकई है, मकई का दलिया है, कुर्थी दाल है, मूंगफली, खजूर का चटाई है, उसके बाद बांस टोकी है, बांस का सूप है और झाड़ू है। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको रांची में भी मिलेंगी, लेकिन ये जंगलों का जो शुद्ध है, प्योर एकदम प्राकृतिक है, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आपको एक बार मौका मिल रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस मेले में आइए और स्टॉल नंबर 53 में आइए।